गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी को सुप्रभात भाई और बहनों। आई वाज रेज्ड अ रोमन कैथोलिक एंड केम फ्रॉम बैंगलोर एक्चुअली। आई हैव बीन अब्रॉड फ्रॉम मेनी इयर्स एंड आई रिटर्न्ड इन 2019। और मैं एक रोमन कैथोलिक घराने से हूं और मेरा बचपन से लेकर बड़ा होना उसी सिद्धांत में हुआ है और मैं बैंगलोर से हूँ और कुछ सालों के लिए मैं विदेश भी चला गया था और वर्ष 2018 में मैं भारत लौट कर आया। Even after I came back from abroad, I was still not a good Christian. I still followed the ways of this world. और जब मैं लौट कर आया तब मैंने देखा कि मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है और मैं एक मसीही नहीं हूं और मेरा जीना जो था वो एक संसारिक रीति के साथ था। I had many desires of this world. I was quick to anger, proud of my position. I had a good position when I was abroad, so I used to look down on people. और मुझे संसार की कई सारी बातों में मेरा मन था, मुझे लगाव था संसार की चीजों से और मेरे मुझे जो पदवी मिली थी, मेरा जो पद था उसके कारण मुझे उस बात का बहुत घमंड होता था और मैं दूसरों को नीचा देखता था। I found that sort of emptiness in me, and in the beginning of this year, और जब इस वर्ष की शुरुआत हुई, so in the beginning of this year, I started to search for meaning in my life. और जब इस वर्ष की शुरुआत हुई तब मैंने उसके साथ साथ मेरे जीवन में एक खोज करना शुरू किया कि मेरे जीवन का मतलब क्या है। I was looking at some books in my room and I found a Bible left here. This was bought many many years ago and I never opened this Bible. और तब मैंने अपने घर में यहाँ वहाँ कुछ किताबों को खोजना शुरू किया और वहां पर मुझे एक बाइबल मिली जिसे मैंने काफी वर्षों पहले खरीद कर रखा था। उस बुक को किताब को लेकर मैंने खोला। Then I started to read the Bible, and then I started to feel something. Feel that I needed to. The word started speaking to me, telling me that I need to find ways to find Jesus. और जब मैंने उस बाइबल को खोलकर पढ़ना शुरू किया तब ऐसा मुझे एहसास होने लगा, अनुभव होने लगा कि ये सारे जो शब्द हैं किताब के ये मुझसे बातें कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे कोई तरीका ढूंढना है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर को पाऊं, परमेश्वर का खोजी बनूं। Then I started looking around and searching to see which church, which prayer group can I join so that I can be guided. I could have a teacher to show me the way. Rather than me searching blindly and going to different sects. और तब मैंने सोचा कि मुझे ऐसी कौन सी कलीसिया मिलेगी जहाँ पर मुझे एक अच्छा अगुवा मिलेगा या अच्छा शिक्षक मिलेगा जो मुझे इस मार्ग में बढ़ने में अगुवाई करेगा कि मैं परमेश्वर को खोजूं। Then I found the CFC church and I contacted them, the Bangalore church, and I asked them to if they had any branches here in Mumbai, and I was directed to. और तब मेरे संपर्क में बैंगलोर की सीएफसी कलीसिया जो है बैंगलोर चर्च वह मेरे संपर्क में आया और वहां पर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी कोई ब्रांच यहां मुंबई में भी है और तब भाई मैथ्यू से मेरा संपर्क हुआ। And this started my journey. I came to be led by the Holy Spirit, confessing my sins, being redeemed for my sins. और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करना शुरू किया और कई सारे पापों को मैंने परमेश्वर के सामने स्वीकार करके अंगीकार करके पश्चाताप किया। Speak a little louder, huh? And my salvation, I came to know that I thought that salvation would come by good work, but I realized and I was guided by Brother Matthew to know that salvation doesn't come by good work. It comes by grace of God. और मैं ऐसा सोचा था कि हमारा जो उद्धार है वह हमारे अच्छे काम करने के द्वारा हमारे जीवन में आता है, लेकिन जब मैंने भाई मैथ्यू से बात की तब मुझे यह पता चला, ज्ञात हुआ कि उद्धार हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं आता परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार होता है। Now I began to feel inner peace and joy, and it began to fill me. I was born again and I accepted Jesus Christ into my life.
और अब मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की शांति और आनंद को अनुभव करता हूँ, और मुझे यह आश्वासन है, दृढ़ विश्वास है कि पर यीशु को मैंने ग्रहण किया और मेरा नया जन्म हुआ है और वह मेरी अगुवाई करेगा। Now I start every day of my life trusting the Holy Spirit to lift me up when I stumble. और अब हर रोज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मेरी आज के दिन में अगुवाई करे कि मैं कहीं पर भी ठोकर न खाऊं परंतु आप में चलता रहूं। Light the path that I must follow, strengthen me. और जो मार्ग मेरे सामने है जिस पर मुझे चलना है उसमें मेरी अगुवाई करे और मेरे पैरों को दृढ़ करे, स्थिर करे। Make me a worthy servant of Jesus, acceptable to God the Father. और मुझे यीशु मसीह का एक ऐसा सेवक बनाए जो स्वीकार किया गया और योग्य हो। So my plans, my plans are placed in God's hands. His will be done. I know the power of God is mighty. I desperately depend on His shining light to guide me through His word, which will never be broken. His promises will be kept to all eternity. और मेरी जो आगे की जो योजना है भविष्य की, वह मैंने मेरी जो योजना है वह परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। I know the power of God is mighty. His glorious love is boundless. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का हाथ सामर्थी हाथ है और वह महिमा से और प्रेम से भरा हुआ है। I desperately depend on God. His shining light will guide me. कि परमेश्वर की वह जो ज्योति है, परमेश्वर का प्रकाश है, वह मेरी अगुवाई करेंगी और मैं परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा। I will strive that my daily life will reflect the image of Jesus. और मैं यह यत्न करूंगा, कोशिश करता रहूंगा कि मेरा हर रोज का जो जीवन है वह यीशु मसीह को दर्शाए। I will strive to be meek and loving and lonely and lowly, mild and forgiving. और मैं यह चाहता हूँ कि मैं नम्र बनता चला जाऊं और अपने सभा में दीन बनूं और मैं दया और क्षमा करने वाला बनूं। I will abide in the love and keep his commandments. और मैं प्रेम में बना रहना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करूं। This is my testimony. यह मेरी गवाही है।